आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। वही राजनीतिक उथल पुथल के बीच चुनावी रणनीति तय होने लगी है। इसी बीच पानसेमल नगर में भोई समाज के भवन में कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व गृह मंत्री एवं राजपुर विधायक बाला बच्चन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी ने ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ किया। पूर्व कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े के बीजेपी में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें चुनाव के पहले ही भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए था। उनके नहीं होने से कोई फर्क नहीं होगा। आगामी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा कि जो पार्टी के लिए कार्य करेगा। बताना चाहता हूं कि खरगोन बड़वानी लोकसभा के पानसेमल विधानसभा में आज लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और जिसमें हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे और बहुत जोश और उत्साह के साथ पहुंचे हैं और सब में ये जज्बा बना हुआ है कि हम इस बार लोकसभा में पानसेमल विधानसभा में अच्छी लीड दिलाएंगे। लगभग सबने कमिटमेंट किया है कि करीब 20 से 25 हजार वोटों की लीड यहाँ मूरलाल खत्री जी को पानसेमल विधानसभा से मिलेगी। सबने ये अश्योर किया है और उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। जो पूर्व विधायक जो चंद्रभागा किराड़े जी थी, कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में गई, इसका खूब विरोध हो रहा है और लोगों में सबकी ऐसा कि हमारे मन की हो गई है। हम तो ये बोले विधानसभा के चुनाव में ही ऐसा चाहते थे कि इनको टिकट न मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने टिकट उनको दिया और वो चुनाव हारी। तो अब लोगों के मन की हो गई। लोगों का कहना है कि अब यहाँ इस विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को जो लीड मिलेगी, मूरलाल खत्री जी को जो लीड मिलेगी वो देखना।